लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधानसभा मुख्य सचेतक महेश जोशी ने की। बैठक में मतगणना में रहने वाले एजेंटों को सावधानियां और दिशा निर्देश की जानकारी दी गई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री खाचरियावास ने बताया कि बैठक में कांग्रेसी एजेंटों को मतगणना के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं मंत्री खाचरियावास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। बैठक में जयपुर शहर उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल और विधायक अमीन खान सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, अब वो भोलेनाथ की शरण में जाकर माफी मांगने के लिए गए हैं, मुझे माफ कर दो और मुझे वापस मौका दो। तो भोलेनाथ की शरण में जाकर पहले आशीर्वाद हम लोग ले चुके हैं। जब आशीर्वाद पहले ही कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, कांग्रेस के कैंडिडेटों को मिल चुका है, तो 5 वर्ष तक जब सत्ता मोदी जी को मिली तब तो उन्होंने गुफा में जाकर ये प्रण नहीं लिया साहब मैंने जो वादे किए वो पूरे करूंगा, अब प्रायश्चित के लिए वो गुफा में गए हैं। मेरा ये मानना है कि राजस्थान देश के इन 3 स्टेट में ज़्यादा माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की, MP, गुजरात और राजस्थान, और ये राज्य भी इनको हराएंगे बीजेपी को। और मैं इतना कह सकता हूँ इस देश में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और हमें भरोसा है राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री।